बच्चों, आज हम ड्राइंग सब्जेक्ट में देखने वाले हैं डूडल आर्ट। डूडल आर्ट एक डिज़ाइन का अलग फॉर्मेट है, उसका पार्ट वन हम देखेंगे। पार्ट वन इसलिए क्योंकि छोटे छोटे डिज़ाइन से बाद में एक बड़ी डूडल डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं। इसके लिए इस हफ्ते फ़िलहाल हम सिर्फ छोटे डिज़ाइन बना के किस तरह बड़ी डिज़ाइन के लिए तैयारी कर सकते हैं वो देखेंगे। इसके लिए हम स्क्वायर शेप में, मतलब मुरब्बे के शेप में पहले अलग अलग डिज़ाइंस, छोटी छोटी डिज़ाइंस, आसान डिज़ाइंस देखेंगे। सबसे पहले तो आपको स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। अभी ये पेपर के साइज़ के हिसाब से मैंने यहाँ पे 5x5 सेंटीमीटर का एक मुरब्बा, ऐसे टोटल 12 मुरब्बे एक पेपर पे बनाए हैं, 12 स्क्वायर, और दो मुरब्बे के बीच में 3 सेंटीमीटर का फासला रखा है ताकि डिज़ाइन बनने के बाद एक दूसरे से डिज़ाइन अलग रहे और अच्छी लगे। ये देखो यहाँ पे इस तरह 3-3 सेंटीमीटर का फासला नीचे से भी है और आजू बाजू से भी है, हर मुरब्बे के बीच में। अगर आपके पास छोटे साइज़ का पेपर है, छोटी ड्राइंग कॉपी है, तो आप उसका सेंटीमीटर कम भी कर सकते हैं, वो बीच वाला जो डिस्टेंस है वो भी कम कर सकते हैं। ये देखो पूरा होने के बाद इस तरह आपके पेपर पे 12 मुरब्बे 12 स्क्वायर दिखने चाहिए। पेंसिल से काम ख़त्म होने के बाद उसको आपको काले पेन से, जेल पेन हो या बॉल पेन हो, काला पेन, उससे बॉर्डर करनी है। बाद में एक एक मुरब्बे में डिज़ाइन चालू करनी है। ये देखो सबसे पहला मुरब्बा, इस तरह के आसान से आसान डिज़ाइन करने हैं। ये देखो ये ब्लैक जेल पेन से किए हुए डिज़ाइन है, पहला मुरब्बा है ये। बाद में इसी तरह के डिज़ाइंस आपको अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग मुरब्बे में, अलग अलग स्क्वायर में आपकी खुद की डिज़ाइन बनानी है। ये देखो दूसरा मुरब्बा, दूसरा स्क्वायर। इस तरह टोटल जो 12 मुरब्बे है, जो 12 स्क्वायर है, उसके अंदर आपको आपकी मनपसंद अलग अलग डिज़ाइंस बनानी है, कुछ इस तरह। एकदम सिंपल फॉर्मेट में है वो। ये देखो पूरा होने के बाद पहले ये 6 मुरब्बे किस तरह बने ये देखिए, बाद में दूसरे और 6 है, मतलब टोटल 12 मुरब्बे हमने बनाए थे। 12 मुरब्बे में किस तरह डिज़ाइंस बन गई है ये भी आप देख सकते हैं। पूरा होने के बाद सिर्फ हर मुरब्बे को बाहर से आपको स्केच पेन से बॉर्डर करनी है। ये देखो ये होगा आपका फाइनल ड्राइंग। इसका इस्तेमाल हम बाद में बड़ी डिज़ाइन में करने वाले हैं। इसी का एक वीडियो है, वो भी आप देख लीजिए किस तरह स्टार्ट करना है। ये देखिए जिस तरह पहले बताया गया था कि आपको 5-5 सेंटीमीटर का फासला लेके मुरब्बे बनाने हैं, उसके लिए पहले खड़ी साइड से 5-5-5 और बीच में बराबर 3-3 सेंटीमीटर का फासला छोड़ा है। ये देखिए ये 5 सेंटीमीटर का एक पट्टी और बीच में बराबर 3 सेंटीमीटर जगह छोड़ के उसके नीचे फिर से 5 सेंटीमीटर की एक पट्टी बन गई। ऐसी 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस वाली 3 पट्टियां बन गई। ये देखो यहाँ से भी उसी तरह का फासला लिया जा रहा है, 5 बीच में 3 फिर 5 फिर बीच में 3, क्योंकि हर मुरब्बे के चारों तरफ 3-3 सेंटीमीटर जगह हमको छोड़नी है। आपके पास छोटी कॉपी है तो आप 3-4 सेंटीमीटर इस तरह का छोटा मुरब्बा भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको 5 सेंटीमीटर का ही मुरब्बा करना है। और जिस तरह यहाँ हर मुरब्बे के पीछे आजू बाजू में 3 सेंटीमीटर जगह छोड़ी है, आपके पास छोटी कॉपी रहेगी तो आप उससे भी कम सेंटीमीटर जगह छोड़ सकते हैं। ये देखिए ये सभी मुरब्बे बन गए जिस तरह पहले बताया था, उसी तरह यहाँ भी देखो काले जेल पेन से। आप चाहे तो जेल पेन, बॉल पेन इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अभी स्केच पेन से बॉर्डर नहीं करनी है और डिजाइंस भी स्केच पेन से नहीं बनानी है अंदर की। ये देखिए पेंसिल का काम खत्म होने के बाद आपको इस तरह ब्लैक जेल पेन से या ब्लैक बॉल पेन से सिर्फ मुरब्बे को बाहर की तरफ से बॉर्डर करनी है। ये देखिए ये बराबर 12 मुरब्बे बन गए। अभी एक एक मुरब्बे में किस तरह डिजाइन शुरू करनी है ये देख लीजिए। ये देखिए एकदम सिंपल डिजाइन है,
सिर्फ छोटे बड़े दायरे लिए हैं, वो भी ना परकर का इस्तेमाल किया है ना किसी और ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का, सिर्फ हाथ से ही। छोटे मुरब्बे हैं, लेकिन यहाँ आपको हर मुरब्बा जूम करके उसके अंदर क्या डिजाइन चल रही है वो दिखाया जा रहा है। ये देखिए अपना एक मुरब्बा बन गया, ये दूसरा। देखो हमने लकीरों के प्रकार भी देखे थे, उसमें से भी लकीरें यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। ये देखिए इस तरह कर्व लाइन, आधे दायरे वाली लकीरें, इस तरह की डिजाइन बहुत सी जगह पे हम टैटू बनाते हैं उस जगह पे दिखती है, या फिर कपड़ों के ऊपर भी रहती है, या मेहंदी जब बनाई जाती है हाथों पे तो भी ये डिजाइन बहुत जगह इस्तेमाल की जाती है। ये देखिए ये अलग सिंपल डिजाइन है, आप सभी बच्चे आसानी से कर पाएंगे। बनाते वक्त कोशिश करनी है कि आपने डिजाइन के लिए जो मुरब्बा बनाया है उसी के अंदर वो डिजाइन रहे, क्योंकि हम अभी डायरेक्ट पेन से कर रहे हैं, तो अगर एक बार पेन से करते वक्त गलती हो जाए तो हम उसको मिटा नहीं पाएंगे। ये देखिए ये अलग डिजाइन है थोड़ी, ऐसी डिजाइन हमने पहले भी की थी, लेकिन उसमें हमने कर्व लाइन एक दूसरे के ऊपर जोड़ के अलग डिजाइन की थी। ये देखिए ये थोड़ा अलग डिजाइन है। ये देखिए रिदमिक लाइन और कर्व लाइन का इस्तेमाल करके डिजाइन किया है, और बीच का हिस्सा डायरेक्ट ब्लैक कलर से भर दिया, कलर मतलब जेल पेन वाला। ये देखिए मुरब्बे के अंदर और मुरब्बे बना के, ये देखिए सिर्फ मुरब्बे ही है, मुरब्बे के अंदर कितने सारे मुरब्बे बना के कितनी अच्छी डिजाइन दिख रही। देखो हम इस तरह की डिजाइन, देखो हम हमेशा बेडशीट्स कपड़े या फिर हमारे घर में कोई फर्नीचर रहेगा तो उसके ऊपर भी सनमाइक जो लगता है उसके ऊपर भी ऐसी डिजाइन होती है। आप चाहे तो फूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे काले जेल पेन से काम हो रहा है, कोई भी स्केच पेन इस्तेमाल नहीं करेगा फिलहाल, स्केच पेन से डिजाइन नहीं करनी है। ये देखिए कितना बेहतर डिजाइन है, जहां दो लकीरें जुड़ चुकी है वहां नुक्ता बनाया गया है, और वो उन्हीं नुक्ते से कितनी अच्छी डिजाइन बन गई है। डूडल आर्ट में डिजाइन जो बनाई जाती है वो मतलब सिंपल फॉर्म में है, कोई भी सिंपल आकार रिपीटेशन करके, मतलब उसको बार बार दोहराना है एक ही जगह पे, तो उसका ही इस्तेमाल करके हम डिजाइन बना सकते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पे भी एक ही फॉर्मेट है, लेकिन हर बार इस्तेमाल करके किस तरह डिजाइन बना दिए। ये देखिए रिदमिक लाइन जो हमने देखी थी, ये देखिए कर्व लाइन का इस्तेमाल हो रहा है, सीधी तरफ समझ लो आप इसको, क्योंकि हम बीच के हिस्सों में उल्टी तरफ करने वाले हैं। ये देखो उसको घुमा के उल्टी तरफ कर दिया है, मतलब एक पट्टी में सीधे तरफ से एक पट्टी में उल्टी तरफ से। ये देखिए ये भी एकदम सिंपल फॉर्मेट है, छोटी छोटी बड़ी लकीरें और दो लकीरों की पट्टियों में पेपर की व्हाइट जगह छोड़ दी है, कुछ इस तरह।
ये भी ड्राइंग, ये भी डिजाइन देखने में बेहतर लगती है। ये देखिए, आपने शायद साइंस में पढ़ा होगा, अमीबा का जैसा आकार होता है उस तरह का आकार है सिर्फ। पहले बाहर का बड़ा आकार बनाना है, फिर अंदर छोटा छोटा करके पूरा करना। ये देखिए इस तरह। देखिए रिदमिक लाइन है और उसके ऊपर दायरे बनाए हैं। देखो सिर्फ एक तरफ ही हम डायरेक्ट पेन से ब्लैक कर रहे हैं। देखो कितना बेहतर डिजाइन लग रहा है, और बीच बीच में नुक्ते। आप आपके दिमाग में जो भी डिजाइन है वो भी बना सकते हो। ये देखिए, ये सभी डिजाइन हमारे रेडी हो गए, मतलब हर मुरब्बा हमने डिजाइन से भर दिया है। पूरा होने के बाद ही उसको सिर्फ मुरब्बे को बाहर की तरफ से स्केच पेन से बॉर्डर आएगी, फिर से डिजाइन को कोई बॉर्डर नहीं करेगा अंदर। ये देखिए, ये हमारे फाइनल ड्राइंग बन गया। अभी इसी के कुछ सैंपल है, इससे भी अलग डिजाइन कैसे होते हैं डूडल आर्ट के, मुरब्बे वाले ही, वो भी आप यहाँ देख लीजिए। ये देखिए जिस तरह हमने किए थे उसी तरह के डिजाइन से, अलग अलग डिजाइन से। देखो कहाँ कहाँ डार्क किया है, कहाँ कहाँ पेपर सिर्फ लकीरों से भरा है। ये देखिए कितने बेहतर डिजाइन है। ये देखो सिर्फ स्क्वायर, ट्रायंगल, मतलब ज्योमेट्रिकल शेप इस्तेमाल करके। ये देखो यहाँ पे सिर्फ लकीरों का इस्तेमाल किया है, आड़ी टेढ़ी लकीरें, बीच में से बाहर जाने वाली, बाहर में से बीच में आने वाली, आड़ी टेढ़ी। ये देखिए दायरे किस तरह, रिदमिक लाइन, स्पाइरल लाइन किस तरह इस्तेमाल किए है। ये देखिए कितने बेहतर बेहतर शेप्स है। आप सभी को भी इसी तरह एक पेपर पे कम से कम 12 मुरब्बे बना के डिजाइन करने हैं। ये देखो सिर्फ दायरे वाले, लकीरों वाले डिजाइन। ये देखिए सभी बच्चों को डूडल आर्ट वाला ड्राइंग बनाने के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बच्चों।